आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी से बिल्कुल ही नया तरीके से नया रेसिपी जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही आसान तरीके से ये बन भी जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ रेसिपी। यहाँ पर हमने गैस पर सस्पेन रख दिया और इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी और इसे हम ढक्कन से ढक देते हैं। तो पानी है जो गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे पतंजलि का नूडल्स और इसे हम मिला लेते हैं और ढक्कन से हम ढक देते हैं। तो यहाँ हम अच्छे से इसे मिला लेते हैं। तो ये नूडल्स जो बनकर तैयार हो गया है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ढक्कन से ढक देते हैं। तो यहाँ पर हमने बाउल लिया और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी मैदा डाला है और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ बेसन डाला है। चुटकी भर हम इसमें कलर के लिए हल्दी डालेंगे। स्वाद अनुसार मैंने यहाँ नमक डाला है और बारीक कटा हुआ हम इसमें प्याज डालेंगे और बारीक कटा हुआ इसमें हम टमाटर डालेंगे। आप चाहे तो अपने मनपसंद सब्जी भी इसमें आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ मैंने यहाँ धनिया डाला है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ गोलकी जीरा का पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर डाला है। यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बिल्कुल गाढ़ा घोल हम तैयार करेंगे। इस तरह से तो यहाँ पर घोल है जो बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का घोल तैयार करना है। तो 1 गिलास पानी पूरा पूरी इसमें लग गया है। तब हम इसमें पतंजलि का नूडल्स डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें हम जो नूडल्स का जो मसाला है उसमें हम डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आपके पास पतंजलि का नूडल्स नहीं है तो उसके जगह आप मैगी से भी ये रेसिपी को बना सकते हैं। यहाँ पर हमने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ तेल डाला है और अच्छे से मैंने इसे फैला लिया है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है तो घोल को हम इसमें डालते जाएंगे और इस तरह से चम्मच से हल्का फैला देंगे। ऐसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो यहाँ 5 मिनट हो गया है और ऊपर से ये हो गया है तो हम इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं। और इसी तरह से हम इसे उलट पलट कर पका लेंगे। तो ये दोनों तरफ अच्छे से पक गया है तब हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप चाहे तो ये बचा हुआ घोल से हम तड़का पैन में भी बनाकर आपको दिखाते हैं, जो आपको इजी लगे उसमें आप बनाकर खा सकते हैं। तो इसमें मैंने सेम तरीका से तेल डाला है और बचा हुआ घोल को हम डालेंगे। छोटे छोटे देखने में भी अच्छा लगते हैं और बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं और इसे हम ढक देते हैं। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं। इसी तरह उलट पलट कैसे भी हम पका लेंगे और इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये बच्चों को पार्टी हो या घर में मेहमान हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।